नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसे एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में माँ दुर्गा से बात करता है तो ये कैसा सपना माना जाता है? बहुत ही शुभ सपना है। अगर आपने ऐसा देखा है कि माँ दुर्गा से आप बात कर रहे हैं, माँ दुर्गा ने आपको सपने में दर्शन दिए हैं और वो आपसे बातें कर रही हैं या मुस्कुरा रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में धन के स्रोत बढ़ने वाले हैं, आपके घर पे माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। अगर रोगी ऐसा सपना देखता है तो उसको जल्द ही रोग से मुक्ति मिलने वाली है, यानी वो जल्द ही जल्द निरोग होने वाला है। अगर कोई दुखी इंसान ऐसा सपना देखता है तो समझ लीजिए उसके सारे दुखों का अंत होने वाला है। यानी सपने में माँ दुर्गा को देखना बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। चाहे आप किसी भी रूप में माता रानी को देख लें, माता रानी का आना ही सपने में अपनी ज़िंदगी बदल देना है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा सपना दिखा है तो आप लोग खुश हो जाइए। माँ दुर्गा का सपने में आना बहुत ही शुभ है। आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, आपके जीवन में चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।